क्या उखाड़ लेंगे आप डिप्टी सीएम का, उनके पीछे पड़े रहते हो, उनको गालियां निकालते हैं। और उखाड़ना तो उखाड़ के दिखाते ना, कल डंके की चोट पे सारा कुछ करके गए हैं। अगर आप लोगों में दम है ना तो करके दिखाओ। नमस्कार, मैं ज्योति सांगवान। वीडियो में जिनको आपने देखा, यूं तो किसी पहचान या परिचय के मोहताज वो नहीं थे, लेकिन फिर भी आपको बता दें, हरियाणा बीजेपी के नेता थे, बिग बॉस से इनको नेम फेम मिला थे, फिल्म अभिनेत्री भी थे, और जब तक देश में टिकटॉक था, टिकटॉकर भी रखे, वहां से भी इनको नाम मिला। लेकिन आप सोचेंगे कि आज ये बात क्यों, और आज आपको ये वीडियो क्यों दिखाया गया। तो मुद्दे पर आते हुए आपको बता दें कि हिसार के बालसमंद में बीजेपी की बालसमंद कार्यकारिणी की बैठक हुई। सोनाली फोगाट को पहुंचना था, सोनाली फोगाट के पहुंचने की जैसी ही भनक किसानों को लगी तो किसान भी सैकड़ों की संख्या में पहुंचे। तस्वीरें आप देखते रहिए। अंदर दरवाजा बंद कर कमरे में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हुई, बाहर किसान प्रदर्शन करते रहे। लेकिन इसमें बड़ी बात यह भी रही कि बैठक से पहले या बैठक के बाद या फिर बैठक के दौरान सोनाली फोगाट बाहर तो नहीं आई, किसानों से बात भी नहीं हुई, लेकिन सोनाली फोगाट की ओर से एक फेसबुक लाइव किया गया। पहले आप फेसबुक लाइव देख लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। पूर्व विधानसभा में आज बाढ़ संबंध मंडल की कार्यकारिणी है। हम सभी कार्यकर्ता एक हरिजन चौपाल में इकट्ठा हुए अपनी कार्यकारिणी की बैठक करने के लिए, और हम लोग बड़े शांतिपूर्ण ढंग से आराम से एक कमरे के अंदर अपनी ये जो बैठक है हम कर रहे थे। और कुछ असामाजिक तत्व जो जिनको किसी चीज़ का कोई समाज में क्या वो लोग व्यवहार कर रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, इससे समाज में क्या असर पड़ता है कुछ लेना देना नहीं है। फालतू के लोग, असामाजिक तत्व गालियां निकाल रहे हैं बाहर बुरी तरह से, देश की प्रधानमंत्री को गाली निकाल रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री को गाली निकाल रहे हैं, मुझे गाली निकाली जा रही है। तो सोनाली फोगाट को आपने देखा और सुना, कई बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई। प्रदर्शनकारी किसानों को असामाजिक तत्व कहा गया है, फालतू के लोग कहा गया है, फालतू लोग कहा गया है कि माहौल खराब कर रखे थे और पुलिस उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। कहा गया कि पीएम के लिए, मेरे लिए, सीएम के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रखे थे। लेकिन अब बड़ी बात यह भी है कि जब हिसार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आए तो सोनाली फोगाट की ओर से कहा गया था कि किसानों ने, प्रदर्शनकारी किसानों ने उनका क्या बिगाड़ लिया। हालांकि बिगाड़ लिया की जगह दूसरा शब्द उनकी ओर से इस्तेमाल किया गया था। अब किसान आंदोलन के दौरान सोनाली फोगाट का यह पहला मौका रहा जबकि किसानों की ओर से इस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया। हालांकि हिसार के जेजेयू कार्यक्रम के दौरान वो भी बाकी बीजेपी नेताओं के साथ पहुंची थी, लेकिन आज ही पहला मौका रहा जब वो बैठक करने पहुंची और किसानों की ओर से विरोध किया गया। तो सोनाली फोगाट फालतू लोग कह रही हैं किसानों को। अब आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर, आप कमेंट कीजिए। क्या ये किसान नहीं है, क्या जो नेताओं का विरोध कर रखे हैं क्या वाकई असामाजिक तत्व हैं? सोनाली फोगाट की भाषा में कहें, क्या वाकई फालतू लोग हैं, माहौल खराब कर रखे हैं, या फिर सोनाली की ओर से कही गई इस तरह की बातें भड़काऊ साबित हो सकती हैं? आप अपनी बात कहिएगा, क्योंकि देखिए, एक तरफ तो सरकार और किसानों के बीच बातचीत नहीं हो रखी, दूसरी तरफ किसान भी अलग अलग नेताओं का, सत्तासीन दलों से जुड़े अलग अलग नेताओं का विरोध कर रखे हैं, और इसी बीच किसानों को लेकर फालतू लोग कहना या कभी दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करना, ये कितना सटीक है? दोनों ही पक्षों को सोचने की जरूरत है, नेताओं को भी क्या सोचने की जरूरत है? क्या आप सोचते हैं किस तरह के शब्दों का नेता इस्तेमाल करें, क्या ये शब्द भड़काऊ हो सकते हैं? किसानों को भी वाकई सोचने की जरूरत है कि जिस तरह का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है उस पर संयुक्त किसान मोर्चा संज्ञान ले कि नेताओं का इस तरह से विरोध किए जाने से हासिल क्या है, क्या इससे आंदोलन कमजोर नहीं होगा? तो आज के बालसमंद में हुए इस विरोध प्रदर्शन को लेकर आप क्या सोचते हैं? सोनाली फोगाट के बयान को लेकर, किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर आपकी राय क्या है, आप कमेंट कीजिएगा। कोई अपना नहीं गम के मारे हम, आपके दर पे फरियाद लाए हम।